नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही कम घर से बाहर निकलते होंगे, क्योंकि आप जानते हैं माहौल कितना खतरनाक है। खैर, आज की जो वीडियो है वो शैक्षणिक है। शैक्षणिक मतलब एजुकेशन। आप जानते हैं बेसिकली मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं सोचा कि घोड़ों के बाजार में इंग्लिश भी कहीं ना कहीं कुछ रोल रखती होगी। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि साउथ के लोग कभी कभी नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ के लोग कभी कभी साउथ में आते हैं, तो इंग्लिश की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है घोड़ा बेचने खरीदने में। इस वजह से मैंने कुछ बोलचाल जो घोड़ा बाजार में होती है उसकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करके मैंने वीडियो बनाई है, जिसको जरूरत हो कि वो इंग्लिश उसको बोली आनी चाहिए इस तरह की कि घोड़ा बाजार में कैसे इंग्लिश बोली जाती है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से इसको सीख सकता है। इससे आपको फायदा भी होगा कि आप जल्दी और प्रभावी तरीके से आप दूसरी भाषा के लोगों के जो ग्राहक होते हैं उनको आप उनको घोड़ा बेच सकेंगे, उनसे घोड़ा ले सकेंगे। तो ये जो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो भाषा का जो ये खाई है उसको भरने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। इस घोड़े का मालिक कौन है? Who is the owner of this horse? Who is the owner of this horse? सेकेंड क्वेश्चन है या सेकेंड सेंटेंस में पूछ रहे हैं कि इसके मालिक सुरेश है। सुरेश इज द ओनर ऑफ दिस हॉर्स। सुरेश इज द ओनर ऑफ दिस हॉर्स। थर्ड क्वेश्चन, इस घोड़े का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हॉर्स? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हॉर्स? इस घोड़े का नाम चेतक है। दिस हॉर्स नेम इज चेतक। दिस हॉर्स नेम इज चेतक। नेक्स्ट है, क्या ये रजिस्टर्ड है? इज इट रजिस्टर्ड? क्या ये रजिस्टर्ड है? इज इट रजिस्टर्ड? हां, ये रजिस्टर्ड है। इट इज रजिस्टर्ड। इट इज रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है, आपका फार्म कहां है? आपका फार्म कहां है? वेयर इज योर फार्म? मेरा फार्म बनारस में है। माई फार्म इज इन बनारस। माई फार्म इज इन बनारस। ये कौन सी नस्ल का घोड़ा है? वॉट इज द ब्रीड ऑफ दिस हॉर्स? वॉट इज द ब्रीड ऑफ दिस हॉर्स? ये कौन सी नस्ल का घोड़ा है? अब दिमाग में इन सेंटेंस को वीडियो को पॉज करके आप बोलते रहिए, जिससे कि आप एक बार जब आपकी जवान अगर इसके आदि हो जाएगी, एक बार बोल लेगी तो आपको बाद में अजीब सा लगेगा। और दो चार दिन इसको छुट्टियों में आप छुट्टियाँ चलिए लिए दो चार दिन आप इसको देखते रहो वीडियो को, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बात नहीं बताई इसमें, तो आप कमेंट में इसको उन जो इसका आप इंग्लिश जानना चाहते हो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी इंग्लिश ये होगी। चलिए नेक्स्ट पर, ये मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। दिस इज मारवाड़ी ब्रीड। दिस इज मारवाड़ी ब्रीड। नस्ल को ब्रीड बोलते हैं। ये घोड़ा है या घोड़ी? इज दिस हॉर्स और मेयर? घोड़ी को मेयर बोलते हैं। इज दिस हॉर्स और मेयर? नेक्स्ट है, घोड़ी की उम्र क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ दिस हॉर्स? उम्र मतलब एज, आप जानते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ दिस हॉर्स? इस घोड़ी की उम्र 6 साल है। द हॉर्स एज इज 6 ईयर्स। इस घोड़ी की उम्र 6 साल है। हॉर्स एज इज 6 ईयर्स। घोड़ी की ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द हॉर्स? व्हाट इज द हाइट ऑफ द हॉर्स? घोड़ी की ऊंचाई 63 है। द हाइट इज 63। द हाइट इज 63। ये घोड़ा कितनी हाइट ले लेगा? कभी भी पूछते हैं ये घोड़ा कितनी हाइट ले लेगा, तो व्हाट विल बी हाइट? व्हाट विल बी हाइट? इन फ्यूचर भी आप लगा सकते हो। इन फ्यूचर में मतलब भविष्य में क्या हाइट लेगा,
अदरवाइज व्हाट विल बी हाइट भी लगभग वही वही चीज है, व्हाट विल बी हाइट, क्या हाइट होगी इसके। ये घोड़ा 65 का हो जाएगा, ये घोड़ा 65 का हो जाएगा, दिस हॉर्स विल बी 65 इंच, दिस हॉर्स विल बी 65 इंच। ये भी बोल सकते कि द फ्यूचर हाइट इज 65, जो फ्यूचर की हाइट है वो 65 है, द फ्यूचर हाइट इज 65। नेक्स्ट, कोई शो जीता है क्या ये, इज ही विनर ऑफ सम शो, इज ही विनर ऑफ सम शो। देखिए एक ही बात तो हम कई तरीके से बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हैज ही वन एनी शो, ओके, तो हम सिंपल लेके चल रहे हैं, इज ही विनर ऑफ शो, ओके। फिर है, ये नागौर में अदंत में फर्स्ट आया है, ये नागौर में अदंत में फर्स्ट आया है, इट वॉज फर्स्ट इन मिल्क टीथ इन नागौर मेला, इट वॉज फर्स्ट इन मिल्क टीथ इन नागौर मेला। आपको अच्छा लग रहा है क्या, चलिए लगे रहो। नेक्स्ट है, कितना मांग रहे हो इस घोड़ी का, हाउ मच इज डिमांड प्राइस, आप कितना मांग रहे हो, डिमांड कितनी, हाउ मच इज डिमांड प्राइस। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि व्हाट इज द डिमांड प्राइस ऑफ दिस मेयर, घोड़ी को मेयर बोलते हैं, व्हाट इज द डिमांड प्राइस ऑफ दिस मेयर, व्हाट इज द डिमांड प्राइस ऑफ दिस मेयर, या फिर सिंपल व्हाट इज द प्राइस, आप कितना मांग रहे हो उस घोड़ी का, व्हाट इज द प्राइस, क्या कीमत है, हाउ मच इज डिमांड प्राइस, व्हाट इज द डिमांड प्राइस, भी आप बोल सकते हो। कई तरीके होते हैं बोलने के जो आपको इजी लगे। मैं 20 लाख, मैं 2 लाख मांग रहा हूं, माई डिमांड इज 2 लाख, या द प्राइस इज 2 लाख, कुछ भी हो सकता है, माई डिमांड इज 2 लाख, मैं 2 लाख मांग रहा हूं। नेक्स्ट, बछड़े का रंग क्या है, बछड़ा यानी कि कोल्ट, घोड़े का बच्चा, बछड़े का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ कोल्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ कोल्ट, बछड़े का रंग क्या है, बछड़े का रंग काला है, द कोल्ट कलर इज ब्लैक, बछड़े का रंग काला है, द कोल्ट कलर इज ब्लैक। नेक्स्ट है, आगे के दो पैर सफेद है, तो टू फ्रंट लेग्स आर व्हाइट, या फ्रंट टू लेग्स आर व्हाइट, या टू फोर लेग्स आर व्हाइट, फोर यानी आगे की होता है, फ्रंट भी आगे का होता है, पीछे के दो पैर सफेद है, तो टू हाइंड लेग्स आर व्हाइट, टू हाइंड लेग्स आर व्हाइट, या टू बैक लेग्स आर व्हाइट, या बैक टू लेग्स आर व्हाइट, ये भी आप कह सकते हैं। क्या अष्टमंगल है, क्या ये अष्टमंगल है, इज इट अष्टमंगल, इज इट अष्टमंगल, मेरी घोड़ी अष्टमंगल है, माय मेयर इज अष्टमंगल, घोड़ी को मेयर बोलते हैं, माय मेयर इज अष्टमंगल। टीका है क्या, माथे में टीका, तो हैज इट ब्लेज, उसके ब्लेज है, हैज इट ब्लेज, हाँ टीका है, यस इट हैज अ ब्लेज, यस इट हैज अ ब्लेज, हाँ टीका है। क्या इस घोड़े के देमन है, तो डज दिस हॉर्स हैव देमन, साउथ में देमन बहुत मांगते हैं, किताब पढ़ के देमन कंठमन, तो डज दिस हॉर्स हैव देमन, या बोल सकते हैं इस घोड़े के देमन नहीं है, इस घोड़े के देमन नहीं, मतलब कि दिस हॉर्स डज नॉट हैव देमन, दिस हॉर्स डज नॉट हैव देमन। ये घोड़ी पढ़ाई हुई या सिखाई हुई है, पढ़ाई हुई सिखाई ट्रेंड, तो दिस मेयर इज ट्रेंड, दिस मेयर इज ट्रेंड, पढ़ाई हुई है ट्रेंड, दिस मेयर इज ट्रेंड। घोड़ी को डांस आता है क्या, डज दिस मेयर डांस, डज दिस मेयर डांस, क्या घोड़ी को डांस आता है। रिवाल चलता है सरपट, रिवाल चलता है सरपट, व्हाट इज द स्टाइल, रिवाल और गैलोप, व्हाट इज द स्टाइल, रिवाल और गैलोप, व्हाट इज द स्टाइल। घोड़ी की स्पीड क्या है, या फिर घोड़ा क्या चाल चलता है, घोड़ी की स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ हॉर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हॉर्स। ध्यान रखें आप इसको पॉज करके एक बार बोल लेना, जैसे कि आपको, जैसे मैं पहले आपको बता दें कि आपको तकलीफ नहीं हो बाद में बोलने, एक बार बोल दोगे जवान पर, एक बार ये सेंटेंस आ जाएगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। घोड़ी गर्बन है क्या, तो गर्बन को प्रेग्नेंट बोलते हैं, तो इज मेयर प्रेग्नेंट, इज मेयर प्रेग्नेंट, हाँ घोड़ी गर्बन है, यस
द मेयर इज प्रेग्नेंट, यस द मेयर इज प्रेग्नेंट, कितने महीनों की गर्भ है, हाउ मेनी मंथ्स प्रेग्नेंट इज इट, हाउ मेनी मंथ्स प्रेग्नेंट इज इट, हाउ मेनी मंथ्स प्रेग्नेंट इज इट, ये चार महीने की गर्भ है, इट इज फोर मंथ्स प्रेग्नेंट, इट इज फोर मंथ्स प्रेग्नेंट, चार महीने की गर्भ है, किससे भराई है यानी कि किससे कवर की है, ओके तो इसके भी दो तीन सेंटेंस हो सकते कि बाय विच स्टेलियन इज इट प्रेग्नेंट, बाय विच स्टेलियन इज इट प्रेग्नेंट, या फिर विच स्टेलियन कवर्ड इट, विच स्टेलियन कवर्ड इट, इधर इजी लग रहा है, विच स्टेलियन कवर्ड इट, ये घोड़ी काला कांटा से भराई है, आंसर दिया कि ये घोड़ी काला कांटा से भराई है, दिस मेयर इज प्रेग्नेंट बाय काला कांटा, दिस मेयर इज प्रेग्नेंट बाय काला कांटा, या फिर यू बोल सकते कि काला कांटा हैज कवर्ड दिस मेयर, काला कांटा हैज कवर्ड दिस मेयर, या माय मेयर, मेरी घोड़ी, ये बछेरा किस लाइन का है, ये बच्चा बोलता है ये किस लाइन का बछेरा है, तो व्हाट इज द ब्लड लाइन ऑफ दिस कोल्ट, बछेरे को कोल्ट बोलते हैं, व्हाट इज द ब्लड लाइन ऑफ दिस कोल्ट, जहां बोलता है कि भाई इसका बाप मेघराज है, माँ बिजली है, जो हंसराज की बच्ची है, ऐसे बोलते हैं, खाना खाते हैं, तो बाप मेघराज है, बाप उनकी सायर, तो इट्स सायर इज मेघराज, बाप मेघराज है, इट्स सायर इज मेघराज, एंड डैम इज बिजली, एंड डैम इज बिजली, हु इज फ्रॉम हंसराज, जो डैम है, जो माँ बिजली है, जो हंसराज की बच्ची है, हु इज फ्रॉम हंसराज, जो हंसराज से है, okay. तो ऐसे इट्स सायर इज मेघराज, डैम इज बिजली, हु इज फ्रॉम हंसराज, ये बछेरी कितने में ली, फॉर हाउ मच डिड यू टेक दिस फिली, ये बछेरी कितने में ली, बछेरी को फिली बोलते हैं, फिली, फॉर हाउ मच डिड यू टेक दिस फिली, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इसको कि हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस फिली, हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस फिली, आपने इस फिली के लिए कितना दिया, कितने में ली, ये कितने में बछेरी दी, ली, ये बछेरी मैंने 50,000 में ली थी, तो I took this filly for 50,000, I took this filly for 50,000, या फिर I paid 50,000 for this filly, ऐसा ही बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं, I paid 50,000 for this filly, इसकी आंख में प्रॉब्लम है, there is a problem in its eye, there is a problem in its eye, अगर हम it का प्रयोग कई बार करें, it यानी कि इसके, इसके, इसका, यह it, इट्स इसका, तो वो इट मतलब इसका होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर आपको, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत भी सहायक तो होगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप इसको इन छुट्टियों में याद करें और मास्क जरूर पहने क्योंकि कोरोना बहुत खतरनाक है, एक तक ज्ञान नहीं इंडिया से, हर दो तीन घंटे बाद अपने हाथ धोएं, ओके, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। बाय, हैव अ नाइस डे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।